पड़ गए। ऐसा नहीं, वैसे डेली खाना कंपलसरी है शरीर के लिए, ऐसे डेली आत्मा के लिए साधना कंपलसरी है। अगर ऐसा सोच कर बेमनी से ही सही कुछ दिन डट के अभ्यास करे तो फिर आदत पड़ जाए, फिर वो टाइम बर्बाद नहीं करेगा। लापरवाही बहुत होती है। 8 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, आज इतवार है, 7 बजे उठ रहे हैं, कुछ सेंस नहीं मनुष्य होकर के। बातें कर रहे हैं बीवी से, बच्चों से, किए जा रहे हैं घंटों बिना वजह, कोई मतलब न, गलत टाइम बर्बाद करते हैं लोग। मानव देह का एक एक श्वास मूल्यवान है। ना चाहे न लो, रूप ध्यान करना ही है। नाम गुण और लीला ये सब तो साथ में सहायक रहे अच्छा है, असली चीज है रूप ध्यान, क्योंकि उपासना मन को करना है। सब की जड़ है मन, इसलिए रूप ध्यान नहीं करोगे तो मन तो संसार का ध्यान करेगा, वो तो चुप नहीं बैठेगा, और जिसका ध्यान करोगे उसी की भक्ति मानी जाएगी। चाहे राधे राधे मुंह से बोलो और ध्यान करो माँ का, बाप का, बीवी का, बेटे का, तो जिसका ध्यान करोगे उसी का फल मिलेगा, और तो राधे राधे का फल नहीं मिलना। इसलिए रूप ध्यान कंपलसरी है। उसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन तो कह रहा है कि उसी को मेडिटेशन कहते हैं क्या? ध्यान। हाँ, उसी से मन एकाग्र होगा। लोक रंजन से तुमसे क्या मतलब है? लोक रंजन तो पंडित लोग, प्रचारक लोग करते हैं। दुनिया को खुश करना, अपने को भक्त सिद्ध करना, अपने को अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करना, ये सब लोग रंजन है। साधना ठीक ठीक करे तो दीनता की फीलिंग उसको होगी, तो फिर अपने आप लोक रंजन समाप्त हो जाएगा। तमाम दोषों की जड़ ये है, साधना नहीं करती, तो दोष सब बैठे रहते हैं अंदर, जाते ही नहीं। पल में परलय होएगी फेर करेगा कब? धारो पर अच्छा काम तुरंत करना चाहिए। पढ़ाओगे वहां क्या जाके? लड़के को पढ़ाना है ना, इसीलिए तो गए श्रीवास्तव। हमारे पाप, पाप से पेट नहीं भरता, लगातार पाप किए जा रहे हैं। अघ शब्द तो बहुत बार आया है इंद्रस मदिरा में, हमारे पाप।
धन अरे मदिरा के जो अर्थ समझ में ना आवे तो पुस्तक उसकी नहीं है क्या? पढ़ लिया तो पापों के पेट नहीं भरता लिखा होगा नहीं क्या? पाप तो है लेकिन पाप ज्यादा है, ये है कि हमारा संसार में अटैचमेंट हो, खाली काम नहीं, अटैचमेंट वाला काम जो है वो खतरनाक है। खाली काम खतरनाक नहीं होता। अरे जैसे नहा रहे हो, धो रहे हो, खाना खा रहे हो, ये भी तो काम है, ऐसे ऑफिस का काम भी काम है, माँ का, बाप का, बीबी का, बच्चों का काम कर रहे हो वो भी काम है। तो काम आप नहीं है लेकिन वो भगवत विषय भी तो नहीं है। तुम्हारे जीवन का कितना क्षण भगवान के विषय में लगा उसमें तो नहीं लिखा जाएगा वो टाइम। जो भगवान के निमित्त काम करो, गुरु के निमित्त काम करो, उतना लिखा जाएगा खाली कि तुम्हारे जीवन का इतना क्षण सफल रहा। और जो काम संसार के निमित्त या अपने निमित्त किया, शरीर के निमित्त, वो तो गलत है ही है, लेकिन उसमें अटैचमेंट होना और गलत, सबसे अधिक पाप है। खाली काम करे तो मन का अटैचमेंट कहाँ रहेगा? भगवान में जब तक न रहेगा तब तक तो खाली काम कोई कर ही नहीं सकता, काम में अटैचमेंट हो जाएगा। इसलिए असली चीज है मन का अटैचमेंट, मन का लगाव। उसी काम को हम अगर आत्मा के निमित्त, भगवान के निमित्त, गुरु के निमित्त करते हैं तो वो काम सही है। तो चाहे चोरी हो वो भी सही है। भगवान कहते हैं मन निमित्तम कृतम पापम मत धर्माय च कल्पते। भगवान के निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है, और भगवान को छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। तो इसलिए असली चीज तो हरि गुरु भक्ति है। अब उनके निमित्त कोई काम है वो भी भक्ति है, और जो अपने परिवार के निमित्त या अपने शरीर के निमित्त या अपने संसारी सुख के निमित्त किया जाए वो सब गलत। वेद व्यास कहते हैं जो इस जन्म में दान नहीं करता अगले जन्म में दरिद्री होता है, और दरिद्र भावात् चकरोति पापम, और दरिद्र होने से पेट के लिए पाप करता है, पापत् प्रभावान् नरकम् प्रयाति, और पाप करने से फिर नरक जाता है। तो हम जो लोग हमारे संपर्क में आ गए हो तुम लोगों से हम इतना दान करवा लेते हैं, वरना तुम लोग महा मक्कार कभी न करते। परमार्थ किसी को भी कर नहीं थी, ये तो जबरदस्ती हम करा लेते हैं। कुछ न करो तो काफी पिला लो भाई, चलो। इतना बिगड़ा हुआ है मनुष्य कि 10 पैसा देगा भिखारी को तो देख लेगा बगल में कि लोग देख रहे हैं कि नहीं। ये समझता है जो कुछ पैसा हमारे पास आया, 1,000,00,000,00,000 करोड़ कुछ भी, वो
मेरी बुद्धि का कमाल है, मैंने अपनी बुद्धि से कमाया है। ये मिथ्या अहंकार। अब देखो हमारे देश में कितने अंगूठा छाप अरबपति हैं, खाली साइन करना जानते हैं बेचारे, और बड़े बड़े एडवोकेट उनके यहां नौकर हैं, एडवाइजर, व्यापार में राय देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ये खरीद लो, ये ऐसा कर लो, इस समय ऐसा कर लो, इसका भाव बढ़ेगा, उनकी राय से तो काम करते हैं। तो पूर्व जन्म का जिसका दान है किया हुआ है उसको फल मिल जाएगा बिना परिश्रम के, किसी बहाने से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, सोचना है चाहिए कि हम जो कुछ दान कर रहे हैं इससे भगवान की कृपा मिले, गुरु कृपा मिले, बस पैसा मिल जाने से कोई कमाल नहीं होना है और अंधा हो जाएगा। कल एक स्त्री आई थी, वो तो कह रही थी मैं अरबापति थी और मैं 20 साल से इतनी हालत खराब हो गई है। तो हमने कहा कि इसीलिए तो तुम हमारे पास आई हो, हालत खराब हो गई हो, वरना अरबापति होती तो ना। अरबपति ने कहा कि आप इतने मस्त रहते हैं हमेशा जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी क्या चीज है आपके पास, हमको भी दो। उन्होंने कहा तुम्हारे पास जो कुछ है सब दान कर दो, फिर आओ तब बात करो। तो ये तो नहीं हो सकता, तो फिर तुमको वो बस्ती भी नहीं मिल सकती जो हमारे पास है। सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन संसारी ऐश्वर्य वाला भगवान की ओर चले ये असंभव। बड़ी गुरु कृपा और संस्कार और भगवत कृपा हो तो शायद कोई इरला बिरला चलता है। और राधा आगे बढ़ाने में लगे हैं, 1 करोड़ का, 2 करोड़, 2 करोड़ का, 10 करोड़। हमारे इंडिया में 5 अरबपति हैं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, कुल 5 अरबपति माने अरब डॉलर से ऊपर वाले। अरब डॉलर माने 44 अरब रुपया से ऊपर जिनके पास है संपत्ति उनको अरबपति कहा जाता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा धनी है उसका नाम है गेट्स। वो गेट्स जो है 60 अरब डॉलर का आदमी है, बस 60 अरब डॉलर। पिछले साल वो 90 अरब डॉलर का था, इतना घट गया, डाउन हो गया मार्केट उसका, 60 अरब डॉलर रह गया। सबसे बड़ा आदमी पैसे वाला। सब दवा खा करके तो सोते हैं 2 घंटे बेचारे, नींद भी नहीं आती इन अरबपतियों को। तो भगवत भावना से नहीं किया, अपने नाम के लिए मंदिर बनवाए, तमाम मंदिर बने हैं अरबपतियों के। भगवान की मूर्ति है और नाम है बिरला मंदिर, दिल्ली में, मथुरा वृंदावन में, जहां जहां है का नाम है बिरला मंदिर। भगवान की मूर्ति है तो भगवान के मंदिर नाम रखो, राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अंधे हो गए। चार दिन बाद मर गए, उसके बाद कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे, तो कहां गया हो तुम्हारी शान शौकत अरबपति वाली।